तो चलो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। कि एक हमने एक एक्सपेरिमेंट किया अपनी लेबोरेटरी में, और एक्सपेरिमेंट में हमने क्या पाया कि इमिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम डिस्चार्ज स्मॉल नंबर ऑफ लाइन आर ऑब्जर्व। ठीक है, अब देखो, अगर मैं लेबोरेटरी में अगर मैं हाइड्रोजन गैस लेता हूँ और इसको हीट करता हूँ और फिर इसका स्पेक्ट्रम बनाता हूँ, स्पेक्ट्रम स्क्रीन लेता हूँ, तो इस स्पेक्ट्रम पे हमें कुछ लाइनें ही मिलती हैं। ठीक है, अपनी लेबोरेटरी में कुछ लाइनें मिलती हैं, बट अगर वही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ ए स्टार लार्ज नंबर ऑफ लाइन होता, अगर किसी स्टार जैसे बहुत दूर जो स्टार है, तो उस स्टार का मैं स्पेक्ट्रम लेता हूँ, ठीक है, तो उस स्पेक्ट्रम में बहुत सारी लाइनें पॉसिबल हैं। तो ये बताना कि ऐसा क्यों है कि स्टार जो है उससे जो रेडिएशन आ रही है उसके स्पेक्ट्रम, और जो हाइड्रोजन गैस, दोनों में हाइड्रोजन गैस है और लेबोरेटरी में जो हाइड्रोजन गैस को हीट करने के बाद जो रेडिएशन आ रहा है उसका स्पेक्ट्रम, तो इन दोनों के स्पेक्ट्रम के लाइन में डिफरेंस क्यों आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है? तो डिफरेंस क्यों आ रहा है? ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है कि ये जो लाइंस होती हैं वो होती क्या चीज़ है, ये जो लाइंस होती हैं वो रेडिएशंस होते हैं, रेडिएशन होते हैं। हर एक की वेवलेंथ अलग होती है, λ1 λ2, ठीक है। और ये क्यों बनते हैं? क्योंकि इस हाइड्रोजन गैस से ट्यूनिक फोटोन निकलते हैं, फिक्स वेवलेंथ फिक्स फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स आते हैं। और फोटॉन्स कहाँ से आते हैं? जब हाइड्रोजन का जो है वो डी एक्साइट होता है। फोटोन कब आते हैं? जब डी एक्साइट होता है। ऐसे तो फोटोन आते हैं भाई, तो डी एक्साइटेशन में फोटोन आते हैं। तो यह ये फोटोन आते हैं, ये रेडिएशंस या वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी। तो ये जो इसमें ऑब्वियसली जो लेबोरेटरी है उसमें कम फोटॉन्स आ रहे हैं, मतलब कम डी एक्साइटेशन हो रहा है, तो कम रेडिएशन या वेवलेंथ मिल रहा है, जबकि स्टार वाले में बहुत ज़्यादा फोटॉन्स आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा डी एक्साइटेशन हो रहा है। तो ऐसा क्यों? ऐसा एनर्जी डिफरेंस की वजह से होगा। इसमें हमने कम एनर्जी दिया होगा तो कम कम इंसिडेंट एनर्जी दिया होगा तो कम फोटॉन एक्सेप्ट किया होगा हाइड्रोजन, हम कम फोटॉन एक्सेप्ट किया होगा तो कम इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए होंगे, तो कम इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए तो कम डी एक्साइट हुए होंगे, तो कम फोटोन आए कम रेडिएशन बना। जबकि अगर एनर्जी हम इसी को बहुत ही ज़्यादा एनर्जी दे देते हैं तो उसमें बहुत सारे एटम्स हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी दें, जो बहुत सारे एटम्स में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, बहुत सारा फोटोन आएगा, और बहुत सारा अगर फोटोन आएगा तो बहुत सारे रेडिएशंस होंगे, बहुत सारे वेवलेंथ होंगे और बहुत सारी लाइंस बनेगी। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली द एनर्जी डिफरेंस ऑफ एक्साइटेशन। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस मच स्मॉलर देन प्रेजेंट इन स्टार, ये गलत है। टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन इज मच स्मॉलर, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन इज मच स्मॉलर देन देन, ये सही है। ठीक है, बाकी सारे गलत है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस है उस वजह से ऐसा आ रहा है। आई होप कि आपको बेहतर तरीके से